बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। ब्लॉग नहीं आया इतने दिन, मुझे काफ़ी मैसेजेस आए। असल मौसम चेंज हुआ है, शायद गर्मी थी कुछ था, एकदम ही ज़ुकाम हुआ है और आवाज़ बहुत ख़राब हो गई थी। अभी भी ज़रा है ख़राब और काफ़ी तबीयत ख़राब रही, जिस वजह से ना मैं दिल ही नहीं कर रहा था कुछ ब्लॉगिंग वगैरह का, और बच्चों के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं तो उस वजह से भी काफ़ी टेंशन है। बहरहाल ये ईद मिलन पार्टी थी मेरी प्यारी सी दोस्त अमरीन के घर, जो कि आपको पता है एक दफ़ा पहले भी मैं उसके साथ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहरहाल पुराना ब्लॉग है, हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। और आज हम फिर उसके घर गए थे और वीकेंड था, तबीयत भी सही थी और काफ़ी डिले हो रहा था आजकल। बस आज हम लोगों ने प्लान फिर कर लिया और जनाब वो सबसे पहले हमें बता रही थी उसके बारे में, एयर फ्रायर के बारे में, उसे धोना, क्योंकि मेरी और दोस्त है नाजिया, उसने भी ख़रीदा है तो वो उससे सीख रही थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों मैं भी सीख लूँ, जब मेरे घर आएगा तो मुझे भी आइडिया होगा। और जनाब ये उसने बनाई थी मज़ेदार सी चीज़ें, और जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, मुझे उसकी वो चेयर्स बड़ी प्यारी लग रही थी जो उसने अपने बेडरूम में रखी है ना, तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी वो पड़े हुए चेयर्स। और जनाब बर्गर्स थे बहुत ही मज़े के, चिकन ब्रेड थी, साथ में ये नगेट्स हैं, और ये जनाब शामी कबाब है, सब कुछ बहुत टेस्टी था, दही बड़े हैं। और जनाब ये उसने बिस्किट्स मंगवाए थे और ये पतीसा था डिफरेंट स्टाइल का, क्योंकि मुझे पतीसा बहुत पसंद है। ये फ्रूट सैलेड था, अच्छा फ्रूट सैलेड सिंपल नहीं था, ये चिकन फ्रूट सैलेड के साथ था, अमेरिकन फ्रूट सैलेड था, और साथ में ये मैक्रोनी पास्ता चिकन कीमे के साथ था, कीमे वाला था मैक्रोनी पास्ता, बहुत मज़े का था सब कुछ, हर चीज़ बहुत टेस्टी यमी, और देख के दोबारा भूख लगे। थैंक यू सो मच अमरीन, इतनी मज़े की हमारी ईद मिलन पार्टी करने के लिए। और बस मैं भी आजकल मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी डिले हो चुका है, क्या बहुत जाना चाहिए। असल में बच्चों के जब से एग्ज़ाम है ना तो कुछ होश नहीं है, इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे ना फिर ज़िंदगी रूटीन पे आ जाएगी। बहरहाल हम लोगों को बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, नगेट्स बहुत टेस्टी थे, नीमको भी, ये कराची की स्पेशल चेवड़ा नीमको थी जो कि मुझे बहुत पसंद, और बाई चांस सारी चीज़ें मेरी पसंद की थी, चिकन ब्रेड भी। और मेरी दोस्त जो नाज़िया उसकी भी बेटी आई थी, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे और इनके रिस्क में बरकत दे, दस्तरखान वसी करे। कहते हैं किसी घर से आप खाना खाएं तो उसे दुआएं ज़रूर दें। और हमारी दोस्ती इतनी पुरानी नहीं है मगर बहुत अच्छी, ऐसे लगता है कि हम बहुत अरसे से मिले हुए हैं। मैं एज विचुअल बेकिंग करके गई थी, साथ उसके लिए गिफ्ट ले गई थी, ड्रेस ले गई थी, मेरे ख्याल में वो क्लिप ऊपर नीचे हो गया। बहरहाल उसे वो बहुत अच्छा लगा, जिससे मुझे ज़्यादा खुशी हुई। और ईद का गिफ्ट भी उसने मुझे बहुत प्यार दिया था, हम आपस में गिफ्ट शिफ्ट लेते रहते हैं, कहते हैं ना गिफ्ट छोटा हो चाहे बड़ा, आपस मोहब्बत बढ़ती है, बहुत मज़ा आता है। और वैसे भी नाज़िया और अमरीन उनके घर खाना बहुत मज़े का होता है, मेरे घर भी खाना बहुत मज़े का होता है, हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। और भाई मैं तो घर से खाना खा के गई भी नहीं थी, मैंने कहा था मैं आराम से जाके भरपूर अपनी फ्रेंड के घर जो है ना चीज़ें इंजॉय करूँगी, और सब कुछ बहुत मज़े का था, नगेट्स बहुत बहुत टेस्टी थे और चिकन ब्रेड भी बहुत अच्छी थी, शामी कबाब भी, दही बड़े भी, दही बड़े तो इनके स्पेशल होते हैं, हम भी यहीं गुलगश में होते हैं मगर इसके दही बड़े बहुत ही स्पेशल होते हैं, बहुत मज़े के थे। आज का सारा व्लॉग अमरीन के लिए था। और बस एयर फ्रायर की हम अपनी जो है उसके साथ साथ सेटिंग कर रहे थे कि भाई हमें इसने समझा दिया, बड़ी मेहरबानी इसकी, और अच्छा लगा हमें इसके घर जाके। और इसके बच्चे थे जो कि बहुत इंजॉय कर रहे थे, हम उनके साथ ट्यूशन जाने का उनका टाइम था, एक छोटू नहीं गया था, बाकी सारे माशाल्लाह ट्यूशन चले गए थे, जो कि आजकल आपको गर्मियों की छुट्टियाँ, समर कैंप, ट्यूशन, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बच्चों की, आपको पता है अगर आप उन्हें एक मिनट की भी इजाज़त दे दें इंजॉय करने की तो बस वो तो कहते हैं भाई खुली छूट है, हमें कोई वो नहीं है, बड़ी मुश्किल है उन्हें टीवी और ये जो कार्टून्स वगैरह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मैंने तो अपनी रूटीन बनाई हूँ कि बच्चों को, मैं हूँ चाहे मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं, हम सब की रूटीन है, हम लोग बच्चों को कार्टून जो है ना टीवी पे लगा के देखते हैं अपनी आँखों के सामने, हाथों में मोबाइल बिल्कुल नहीं देते, हम सारी फ्रेंड्स ने आपस में ना एक वो बनाया हुआ, बहरहाल पता है LED पे या लैपटॉप पे, क्योंकि वो सामने चल रहे हैं हमें पता है वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, तो ऐसे ही उसके घर भी बच्चे देख रहे थे कार्टून। बल्कि मैं भी जहाँ भी जाऊँ मेरी बच्चों से दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे भी हम लोग इंजॉय कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, असल में डपिंग जो है ना ऊपर नीचे हो गई, कुछ एडिटर का इश्यूज़ हो रहे थे जिस वजह से भी थोड़ा मैं आप ब्लॉगिंग लेट कर रही थी। और ये मैक्रोनी पास्ता बहुत टेस्टी था, सबकी सब चीज़ें बहुत लजीज थी, वाकई में सही बात है, अगला बंदा मेहनत करता है और आप जब उसकी तारीफ़ करते हैं तो यकीन करें खून बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप किसी के लिए खाना बना रहे होते हैं बड़े दिल से बड़ी मेहनत के साथ तो आपको अच्छा लगता है अगला बंदा आपकी तारीफ़ करे, तारीफ़ करनी भी चाहिए,
क्योंकि आजकल के दौर के अंदर इस गर्मी में और इस तरह को मोहब्बत से बुलाया तो बहुत बड़ी बात है। और इसने बहुत एफर्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह इसका घर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा रेनोवेट करवाया, तो बहुत प्यारा लग रहा था, अल्लाह ताला नसीब करे, ख़ुद भी बहुत प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी हैं, दिल की भी बहुत अच्छी हैं, प्यार मोहब्बत रखने वाली। और बस दुआ करें अल्लाह ताला ऐसी रखे, नज़र बद से बचाए, हास्तीन के हसद से बचाए, शैतान के शर से बचाए, जो कि मैं हमेशा दुआ करती हूँ। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल बटन। और ये आ गई मेरी पसंदीदा चाय, और इसकी चाय बहुत टेस्टी होती है। समय ये मेका इनका है कराची का, तो कराची वालों की चाय वाकई बहुत लजीज है। मेरी नंद रहती थी कराची में, उनके पास गई थी तो उनके नेबर्स में चाय पान मेहंदी कमाल थी कमाल। और आज बड़े दिनों बाद मैं डबिंग कर रही हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी वो तंग कर रही है मुझे, और बस माजरत अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो। लोग अच्छा लगा हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये जनाब छोटू इसका बहुत मज़े की गेम खेल रहा था जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चे हैं, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, अपनी अमान में रखे, क्योंकि माँ बाप की तो सबसे बड़ी जो है ना क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ये हमारे बच्चे हैं जिन पे हम इन्वेस्ट करें, और अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करें। और मज़े की बात है कि मेरी फ्रेंड्स को भी पता है कि मुझे चिप्स बहुत पसंद है, तो एंड में उसने बेबी भी मंगवाई और अच्छा खासा मैं फुल थी, मगर उसकी खुशी की खातिर मैंने खा लिया। वैसे मुझे बहुत पसंद है बेबी, मगर उस वक्त जब कुछ ना खाया, मगर इस वक्त मेरी दोस्त ने बहुत मोहब्बत से मंगाए थे और वो भी मैंने इन्जॉय किए। और मैं काफ़ी देर हम लोग बैठे थे, हमारा दिल तो अभी भी दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि इतने दिनों बाद घर से निकलो ना तो फिर दिल चाह रहा होता है। ये बड़े प्यारे प्यारे से टॉयज भी थे बच्चों के, और बच्चे माशाल्लाह बहुत इन्जॉय करते हैं बच्चों के साथ, आप बच्चा बन जाए तो बड़ा मज़ा आता है। और ये छोटू तो है भी बहुत क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा छोटा बेटा है ये है, तो बड़े प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। और मैं इसे पूछ रही थी डायनासोर के बारे में, तो डायनासोर के बारे में मुझे इन्फॉर्म कर रहा था छोटू। और ये देखें ये कार्टून देख रहा था अपने, और उसके डिफरेंट स्टाइल के टॉयज़ हैं बहुत ढेर।